alaikum viewers, uh, I am Sajid. Uh, today I am going to discuss with you uh, very important information regarding P.P.S.C exams. How we should prepare ourselves uh, regarding P.P.S.C exam, particularly for English subject. So, what we have to do and what kind of syllabus we have to cover for this. If we will cover this kind of syllabus we can easily attempt this paper. So I will try to explain these things so that you will be easy uh, regarding PPSC preparation. So if you will these kinds of instructions, rules you keep in mind definitely it will be easy for you to prepare yourself uh, in coming exams, incoming exams of lecturership or uh, subject specialist. So I will try to elaborate दीज थिंग्स सो देट यू विल इन दैट पोजिशन यू विल बी ईज़िली अटैम्प्टोर पेपर सो करना क्या है आपने uh, जो हम पी पी एस सी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम uh, कुछ चीज़ें स्कीप कर देते हैं और ऐसी चीज़ें पढ़ लेते हैं जो हमारे फ़ायदे की नहीं होती जैसे हम अगर uh, जॉनराज की बात करें ड्रामा पोइट्री नावल तो उसमें हमने वो चीज़ें करनी चाहिए जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है हम क्या करते हैं उनकी समरीज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं और समरीज पढ़ते हैं समरीज में से कुछ आता नहीं है तो इसीलिए हमें चाहिए हमें फोकस उन चीज़ों पर करना चाहिए जो हमारे लिए ज़रूरी हैं अगर हम फोकस करेंगे तो डेफिनेटली विद अ शॉर्ट टाइम हम पी की तैयारी कर सकेंगे तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब डेट अनाउंस होती है तब हम तैयारी करते हैं फिर नोट्स लेते हैं फिर हम शॉर्ट वे ढूंढते हैं फिर हम अकेडमीज़ की तरफ जाते हैं वहाँ क्या करवाते हैं वहाँ ये करवाते हैं कि आपको वो पढ़ा देते हैं तीन या चार सब्जेक्ट्स वो आपके लिए बहुत मुश्किल है उनको डेली करना तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और डेढ़ या दो माह के टाइम में आप बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर सकते तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप आ, शुरू से तैयारी शुरू कर दें ताकि आपके लिए इजी हो जाए और आप आसानी से उस पोजीशन पे पहुंच जाएं जब पेपर आए तो इजी आप अटैम्प्ट दे सकें तो तीन अटैम्प्ट होती हैं जो हम लेक्चरशिप की देते हैं तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम तैयारी रखें ना कि फेडअप हो जाएं बाज़ लोग फेडअप हो जाते हैं और छोड़ देते हैं तैयारी करना तो हमें फेड अप नहीं होना चाहिए और हमें तैयारी करते रहना चाहिए जैसे लास्ट टाइम हुआ पेपर थोड़ा सा टफ़ था तो लोग फेड अप हो गए और उन्होंने छोड़ दी तैयारी तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप तैयारी कंटिन्यू रखें अगर आप तैयारी कंटिन्यू रखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी कि नेक्स्ट जो अटैम्प्ट है उसमें आप ईज़ली सर्वाइव कर जाएंगे तो इसीलिए ज़रूरी है कि जो हो चुका है जो प्रीवियस जो पास्ट हो चुका है उसके बारे में सोचने के बजाय हमें फ्यूचर की तरफ़ फोकस करना चाहिए अगर आप फ्यूचर की तरफ़ फ़ोकस करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा और आप इजी से तैयारी कर सकेंगे तो हम क्या करेंगे डेली बेस पे मैं ट्राई करूँगा कि सारे सब्जेक्ट को शॉर्ट वे में ब्रीफ़ करूँ जैसे अगर ड्रामा करना है तो मैं बताऊँगा कि ड्रामे में कौन कौन से हमने वो उनके ड्रामा करने हैं उनके मेजर uh, वर्क्स करने हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं और उसमें से क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए जिसकी बदौलत हम अपने पेपर को अटैम्प्ट कर सकें तो मैं ट्राई करूँगा डेली बेस पे आपको एक्सप्लेन करने की ये चीज़ें ना तो पहले मैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को कवर करूँगा जैसे स्टार्ट होती है क्लासिकल पीरियड से फिर एंग्लो सैक्सन फिर एंग्लो नॉर्मल फिर रोमांटिक एज फिर विक्टोरियन एज फिर मॉडर्न एज फिर मोस्ट मॉडर्न एज सो तो सीक्वेंस वाइज चलना है अगर आप सीक्वेंस वाइज चलेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा और आप आसानी से तैयारी कर सकेंगे अगर आप कुछ चीज़ें पकड़ते हैं वो छोड़ देते हैं फिर पकड़ते हैं छोड़ देते हैं तो मुश्किल हो जाता है इसीलिए जरूरी है कि आप जो चीज़ पकड़ें उसको कंप्लीट करें जैसा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पकड़ी है तो उसको एंग्लो सेक्शन से लेकर पोस्ट मॉडर्न पीरियड तक उसकी एजिज याद करें उसका टाइम पीरियड याद करें उसमें कौन कौन से राइटर्स आते हैं उनको याद करें जब आप करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी इसी तरह ड्रामा है तो ड्रामे में भी क्या करना है कि आपने देखना है एकपीरियंस स्टडी में कौन कौन सा सिलेबस पढ़ाया जाता है मुख्तु यूनिवर्सिटी में पाँच या छः यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में तो वो आ, उनको फॉलो करें और उसके बाद वो सलेबस को पॉइंट आउट कर लें कि कौन कौन सा मेजर है वर्कस है जो पढ़ाए जाते हैं बी एस इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं उसके बाद एम ए इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं एम फिल में पढ़ाए जाते हैं तो वो सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कर लें नोट डाउन करने के बाद उसके बाद देखें कि ये हमें हमने की हुई है उस पर टिक कर लें जो छोड़ा हुआ है तो उसको स्किप कर लें उसको बाद में कर लें जो कर लें वो उसको अच्छी तरह करें जो स्किप है उसको बाद में कर लें ताकि वो आसानी से हो जाए तो हम क्या करेंगे डेली बेस पे मैं ट्राई किया करूँगा कि छोट शॉर्ट चीज़ों को बताने की कोशिश किया करूँगा जैसे हम शेक्सपियरियन स्टडी का हेमलेट पढ़ रहे हैं तो देखूंगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें सोलो लकवीज़ इंपॉर्टेंट हैं उनके कौन से एक्ट में कौन सी सोलो लकवी है ये मेजर वर्कस है तो ये सारी चीज़ें हमें याद होनी चाहिए उसके बाद जैसे टेम्पेस्ट है इसके बाद जो ट्रेजडीज़ कमेडीज़ जो मेजर हैं जैसे हमारी जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी है कॉम सेट है भी है उसके बाद आ, वो जीसी यूनिवर्सिटी है उसके बाद और भी है आ, तीन चार यूनिवर्सिटी जिनका सलेबस रिकमेंडेड होता है फॉर पीपीएससी एग्ज़ाम तो हम ट्राई करेंगे कि वो सारे सिलेबस को कवर करें और जो बी एस के स्टूडेंट्स हैं उनको भी चाहिए कि वो तैयारी करते रहें जैसे वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर में आते हैं उनको स्टार्टिंग से तैयारी रखनी चाहिए ताकि जब वो पेपर की पोजीशन में आएँ तो उनकी डिग्री कंप्लीट हो तो आसानी के साथ पेपर दे सकें अगर आप इस तरह करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी और आप आसानी से पेपर दे सकेंगे तो मैं ट्राई करूँगा कि चीज़ों को शॉर्ट करके बताऊँ जैसे हेमलेट शुरू करना है तो हेमलेट में जो मेन इंसिडेंट है मेन चीज़ें हैं उनको कवर करूँ ताकि आपको आसानी हो जाए उसकी समरी को शॉर्ट करके बताऊँ ताकि आप आसानी से उसको एक्सप्लेन कर सको तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इनको कवर करना अगर आप पी पी एस सी एग्ज़ाम में अपेयर होना चाहते हैं तो आ, हम पहले हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को कवर करेंगे फिर ड्रामा को करेंगे फिर पोइट्री को फिर करेंगे फिर नोवेल को करेंगे और उसके बाद लिंग्विस्टिक को करेंगे उसके बाद क्रिटिसिज्म को करेंगे प्रोज़ को करेंगे उसके बाद जो मेन पोर्शन जो हम अक्सर स्किप कर देते हैं जो बी एस इंग्लिश में होता है और हम स्किप कर देते हैं वो क्या एशियन लिटरेचर जिसमें पाकिस्तानी लिटरेचर आ जाता है इंडियन लिटरेचर आ जाता है और बंग्लादेशी लिटरेचर आ जाता है तो हमने उस चीज़ को भी कवर करना है अगर आप लोग इन चीज़ों को कवर करेंगे तो आप आसानी से एग्ज़ाम में अपेयर हो जाएंगे तो Uh, कोई uh, मुश्किल काम नहीं है अगर आप शुरू से तैयारी करते रहें तो स्टूडेंट्स के लिए इजी हो जाता है जब आप एंड पे एक या दो माह बचते हैं तब आप तैयारी नहीं कर सकते तो इसलिए ज़रूरी है कि शुरू से तैयारी करें जब शुरू से करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी और जब आसानी होगी तो डेफिनेटली आपको मंजिल भी मिल जाएगी और आपको जॉब भी मिल जाएगी इसीलिए ज़रूरी है कि शुरू से लेकर एंड तक थोड़ा थोड़ा पढ़ लें ज़्यादा ना पढ़ें डेली थोड़ा पढ़ेंगे टाइम रिजर्व कर लें कोई पाँच या दस मिनट बीस मिनट आधा घंटा एक घंटा इस सब्जेक्ट के लिए ये मैंने ये पढ़ना है तो जब ये आप चीज़ें कवर करेंगे तो आसानी के साथ आपके लिए इजी हो जाएगा कि तैयारी कर सकें तो मैं डेली बेस पे कोशिश किया करूँगा के तमाम जो चीज़ें हैं उनको शॉर्ट वे में बताऊं और ऐसे बताऊं कि पीपीएससी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो चीज़ें कवर हो जाएं पहले हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को कवर करेंगे उसके बाद ड्रामा उसके बाद पोइट्री उसके बाद नावल उसके बाद बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर करेंगे और मेन मेन चीज़ें हम करेंगे लॉन्ग नहीं जाएंगे लंबा नहीं जाएंगे बीस बीस मिनट की वीडियोस नहीं बनाएंगे आधा आधा घंटे की वीडियोस नहीं बनाएंगे वो चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा जो पेपर में पूछी जाती हैं और आप उनकी तैयारी कर सकें जब आप उनकी तैयारी कर सकेंगे तो आपके लिए आसानी होगी और आप विद शॉर्ट टाइम में उसकी तैयारी कर सकेंगे उसके बाद हम टेस्ट कंडक्टिंग भी करेंगे उसका भी सेशन रखेंगे लाइव सेशन रखेंगे उसमें चीज़ों को ब्रीफ़ करेंगे कि उसकी तैयारी कैसे करते हैं अगर हम मिल के तैयारी करेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी और हम पी पी एस सी एग्ज़ाम में आसानी के साथ प्रिपेयर खुद को करके और वहाँ अपेयर हो जाएंगे तो इसीलिए ज़रूरी है कि परेशानी होना और जस्ट फोकस करना है डेली बेस पे अगर हम डेली बेस पे करेंगे तो एक दिन आपके लिए इजी हो जाएगा